बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। इसलिए बाद मुफस्सिर ने लिखा है कि ये नजीर से मुराद आपकी दाढ़ी और सर के सफेद बाल मुराद हैं। इसको नजीर कहा, ये आपकी दाढ़ी और सर में सफेद बाल आ जाएं, ये नजीर है, डराने वाले। इन बालों ने अब तुम्हें डरा दिया, आईना देखा, बालों ने तुम्हें डरा दिया कि बेटा अब बुढ़ापे की तरफ कदम जा रहा है तेरा। अब 40 साल तक तेरी जवानी चली, अब 40 साल के बाद अब ढलवान है, अब तेरी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, तेरे सर के बाल सफेद हो गए, अब ये जगह खाली करने का वक्त आ गया, क्योंकि अब कभी तू दादा बनेगा, कभी तू नाना बनेगा, अब पीछे जो तेरा पोते पोतियां आ रही हैं, अब पोते पोतियों के लिए जगह छोड़ दीजिए, अब अकोमोडेशन उन्हें चाहिए, अब आप आगे चलिए ताकि पोता पोती आ जाए। इसलिए एक रिवाज में आता है कि नजीर से मुराद पोता है, नजीर से वह पोता है कि जिसके घर में पोता आ जाए वो समझे कि नजीर आ गया, डराने वाला आ गया। अब पोते ने जबाने हाल से कह दिया कि दादा अब्बा बस अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं, अब मैं आ गया हूं, अब मुझे जगह चाहिए, अब आगे चलिए। तो इसलिए तो कहेंगे अलम यातिकुम नजीर, तुम्हारे पास नजीर नहीं आया। इसलिए एक तफसीर तो किसी मुराद अंबिया है, दूसरी तफसीर ये कि इससे मुराद आपके सर और दाढ़ी के सफेद बाल नजीर हैं, और एक एक इससे मुराद पोता है कि पोता अगर आगे खबर देता है कि नजीर कि पोता आगे आप जगह खाली कीजिए, और तभी तो जमीन के अंदर जगह है। इसलिए कि आगे दादे नाने आगे रुखसत हो रहे हैं, पीछे पोते नवासे आ रहे हैं, तभी तो वो सर रोटेट होता रहता, निज़ाम चलता रहता है। अगर वो दादे नाने भी जिंदा सलामत बैठे रहें और पीछे पोते पोतियाँ भी आते रहे, जगह कहाँ होगी, जमीन तंग हो जाएगी, जमीन के ऊपर जगह नहीं रहेगी। इसलिए फरमाया कि अब जमीन के नीचे जाइए, इसे जमीन के ऊपर पोता आ गया है। तो पोता जिसकी आ गया तो समझ जाए कि बस ये डराने वाला आ गया है, और जिसका मुझे कल पूछा जाएगा अलम्बियाती को नजीर, क्या कोई डराने वाला नहीं आया था। इसलिए इससे मुराद नजीर। और एक मतलब यह कि सुबह शाम के जो वाकयात हैं, अपने हाथों से मुर्दे दफन करते हैं, अपने हाथों से मरे हुए देखते हैं, सुबह शाम ये नज़ारे देख रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इंसान को दावत और तंबी करती है, डराने वाली है कि एक वक्त आएगा तुझे भी इसी तरह मरना है, एक वक्त आएगा तू भी इसी तरह कब्र के अंदर उतरेगा। लेकिन बात वही है कि कुरान करीम ने कहा कि फात अबिर या उलिल अबसार, ए अकल वालो, ए नजरो नजर और हकीकत जानने वालो, तुम इससे इबरत हासिल करो। इशारा यह कर दिया कि जो अकल वाले हैं वो इबरत हासिल करते हैं, जो बेअकल इबरत हासिल नहीं करते। रोज जनाजे दफनाते हैं लेकिन इबरत नहीं लेते, यार कभी मुझे भी इस तरह दफनाया जाएगा, मैं भी अपनी तैयारी कर लूं, और वहां कब्र में जाकर जो पूछा जाएगा उसकी कोई तैयारी कर लूं। वो गाफिल हो कहते कोई बात नहीं, ये मरा मैं तो नहीं मरा, किसी का जनाजा लेके जा रहे हैं, किसी का जनाजा मेरा तो नहीं। लेकिन बात वही है